हिमाचल प्रदेश में वन विभाग ने वन महोत्सव का आगाज कर दिया है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा है। उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में वन विभाग ने पौधारोपण का कार्य शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंडी जिला मुख्यालय के समीप मझवाड़ पंचायत के सैरी में आम जनता के सहयोग से पौधारोपण का कार्य किया गया। यहां पर सत्य बाला कामेश्वर मंदिर सायरी में युवक मंडल सायरी के सदस्यों वन विभाग के साथ आम जनता के सहयोग से विभिन्न प्रजाति के अलग अलग लगभग 150 पौधे रोपे गए। इस दौरान वन मंडल अधिकारी मंडी सुरेंद्र कश्यप ने भी देवदार का पौधा लगाया। इसके साथ ही उन्होंने पौधारोपण करने आए लोगों को पेड़ लगाने की सही तकनीक के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान लोगों से पौधे लगाने के बजाय उनके संरक्षण पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही। वन मंडल अधिकारी मंडी सुरेंद्र कश्यप ने बताया कि इस बार 20 से 24 जुलाई तक मनाए जाने वाले वन महोत्सव में मंडी जिला के मंडी मंडल में वन विभाग के तहत 150 हेक्टेयर के तहत 150 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग जनता के सहयोग से पौधारोपण के कार्य को प्रभावी ढंग से शुरू करेगा। वन मंडल अधिकारी सुरेंद्र कश्यप ने वनों के महत्व के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां पौधारोपण के दौरान उपस्थित ग्रामीणों से साझा की और पर्यावरण बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने व उनका सही रख रखाव करने की सलाह भी दी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी ये प्रण लिया कि वे आने वाले समय पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण पर ज्यादा ध्यान देंगे। पौधारोपण के इस कार्यक्रम में जहां विभाग के कर्मचारी युवक मंडल सायरी के सदस्य व महिला मंडल व अन्य स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। इस दौरान सद्य बाला कामेश्वर मंदिर सायरी के आसपास दाड़ू देवदार संतरे आदि के पौधे लगाए गए। पौधारोपण के साथ ही यहाँ पर उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण व पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की शपथ भी ली। पौधारोपण के इस कार्यक्रम में वन विभाग के कर्मचारी बाला कामेश्वर मंदिर कमेटी के प्रधान रणजीत सिंह, सदस्य रेपती राम, जितेंद्र कुमार, ओम प्रकाश, दीवान ठाकुर, युवक मंडल शायरी के सदस्य, महिला मंडल व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। इकतीसवीं राष्ट्रीय सीनियर कोर्फबॉल प्रतियोगिता 4 दिवसीय मध्य प्रदेश राज्य के LHTC विश्वविद्यालय रायसेरी भोपाल में खेली गई। प्रतियोगिता का फाइनल मैच चिर प्रतिद्वंदी हिमाचल प्रदेश व हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों के बीच खेला गया, जिसमें हिमाचल राज्य के खिलाड़ियों ने हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों को हराकर प्रतियोगिता को अपने नाम। हिमाचल की टीम ने गोल्ड से हरियाणा को 12-11 होल से पराजित किया। कल दोपहर खेले गए फाइनल मैच में हिमाचल ने पहले टॉस जीतकर शुरू से ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। 25-25 मिनट के खेल में दोनों टीमें 10-10 गोल से बराबर रही। मैच टाई होने से दोनों टीमों को 5-5 मिनट का समय दिया गया। मैच फिर 11-11 गोल से तय हुआ। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मैच में हिमाचल प्रदेश की टीम ने उड़ीसा राज्य की हरियाणा ने मध्य प्रदेश को कांटेदार टक्कर देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पश्चिमी बंगाल ने तेलंगाना और महाराष्ट्र की टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर फाइनल में स्थान पक्का किया। सेमीफाइनल मैच के पहले मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की टीम ने पश्चिमी बंगाल की टीम को 13-3 गोल से पराजित कर फाइनल में पहुंचे। दूसरा सेमीफाइनल मैच हरियाणा व महाराष्ट्र के बीच खेला गया। इस मैच में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 1 गोल के अंदर 9-8 से पराजित किया। वर्ष 2018 की राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता में विजेता रही हरियाणा व उपविजेता रही हिमाचल प्रदेश की टीम एक बार फिर से फाइनल मैच में अमन सामने हुई तो सब राज्य के खिलाड़ियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। एक घंटे तक चले मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की टीम ने 4 वर्ष बाद सीनियर राष्ट्रीय
कोर्फबॉल प्रतियोगिता पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में हिमाचल के कप्तान विशाल शर्मा, हरियाणा के रजत को बेस्ट शूटर, हिमाचल के विनोद कुमार को बेस्ट रेफरी का इनाम दिया गया। हिमाचल टीम के कोच एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरकाघाट के शारीरिक शिक्षक देवदत्त शर्मा, टीम मैनेजर एवं राजकीय माध्यमिक पाठशाला खतरबाड़ के टीजीटी आर्ट्स पवन रांगड़ा, महिला विंग सुनीता देवी, रेफरी विनोद कुमार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की टीम एक के बाद एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करके अपनी खेल प्रतिभा दिखाई है। अखिल भारतीय कोर्फबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव डीआर सुमन ने बताया कि राष्ट्रीय कोर्फबॉल प्रतियोगिता में 23 राज्यों के 530 खिलाड़ी व अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का समापन भाजपा राष्ट्रीय युवा मोर्चा कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक ने किया। इस अवसर पर कोर्फबॉल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज चौहान, महासचिव के वर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देव भलारिया व अन्य उपस्थित रहे।